बाड़मेर नगर परिषद कार्यालय में स्थित सभागार में दीपावली एवं अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर बुधवार को एक महत्वपूर्ण सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, दीपावली पर्व के दौरान शांति व्यवस्था और अन्य आवश्यक पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। यह बैठक अतिरिक्त जिला परिषद अधीक्षक जस्साराम बोस, उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा, कोतवाल लेखराज सियाग, यूआईटी सचिव श्रवण सिंह राजावत की मौजूदगी में आयोजित की गई। इस दौरान सीएलजी सदस्यों द्वारा भी अपनी बातों को प्रमुखता से रखा गया तथा शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। इसके साथ ही क्षेत्र की अन्य ज्वलंत समस्याओं पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाने को लेकर भी चर्चा की गई। उनके गोदाम खुले रहते हैं या कोई रूई का काम कर रहा हो, उनके गोदाम खुले रहते हैं, अक्सर उनमें आग लगती है। तो ये पहले से चिन्हित करके उनमें एक बार थोड़ा पाबंद किया जाए ना। दूसरा सर, मतलब दीपावली के तीन चार दिन मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, पर आवारा पशु तो नदी बोतला या आसपास के जो आवारा पशु है। इस बैठक का उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना था बल्कि समुदाय के सभी वर्गों के बीच एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देना भी था। इस दौरान सभी ने एक मत होकर यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि दीपावली का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए। बैठक में कमल सिंह, किशोर भार्गव, टीम बाड़मेर अध्यक्ष सुरेश जाटोल, रमेश सोनी सहित कई सदस्य मौजूद रहे।